हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी में कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हम लोग उन्हीं को देख लेते हैं। लगभग 8 या 10 क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 12.7 आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये क्वेश्चन दे दिया गया है। आप इसे क्या कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट लीजिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। पहले कुछ बेसिक्स बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। क्या कि जब भी अगर पूरे सर्किट में करंट की बात की जाए तो आपको क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या याद रखिएगा, अगर वो सीरीज में है तो आपको सीरीज में याद रखना है सीरीज में करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस की सेम होगी। एक बात याद रखिएगा कि सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस में सेम होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखिएगा, थर्ड बात कि अगर वो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज की वैल्यू सभी में सेम होगी। ये 3 बातें याद रखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप देखिएगा कि ये मेरा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, करंट फाइंड करना है, और सेकंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये जो लैंप दिया गया है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज कितना होगा वो निकालना है, और कंडक्टर मतलब ये जो दिया गया है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि क्या कीजिएगा, जितने भी वैल्यूज दिए रहेंगे उसको आप लोग लिख लीजिएगा। मान लीजिएगा कि R1 हो गया और ये R2 है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, R1 इक्वल टू कितना दिया गया है 4 ओम, ठीक है। सेकंड क्या है R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, R2 इक्वल टू 20 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज V कितना दिया गया है, V दिया गया है 6 वोल्ट। हम लोग को फाइंड क्या करना है, करंट सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे सर्किट के लिए निकालना हो करंट, तो हम लोग क्या करेंगे R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मैंने आपको R इक्विवेलेंट निकालना पिछले वीडियो में सिखा दिया, आप उसी टाइप से कर लीजिएगा। ये दोनों क्या है सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों क्या है सीरीज में है। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को छोर को खींचे तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होगा, इसलिए क्या है सीरीज में। तो इसका R इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू कितनी दी गई 4 और R2 की वैल्यू 20 मतलब 24 वोल्ट, सॉरी ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट इतने आ गया, मतलब क्या इन दोनों के बदले हम लोग रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट लगा सकते हैं इन दोनों के बराबर का, ये कितना ओम का 24 ओम का, ठीक है। चलिए अब हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए क्या हम लोग को यहाँ V दिया गया है, R इक्विवेलेंट है, और हम लोग को करंट फाइंड करना है, तो हम लोग ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं क्या V इक्वल टू IRV। फाइंड करना क्या है करंट, V दिया गया है कितना 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 6 वोल्ट कर लीजिए। I कितना है, I हमें फाइंड करना है, छोड़ दीजिए। R कितना, R इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे तो कितना 24, तो I का जो वैल्यू आ जाएगा 6/24 मतलब 1/4, ठीक है। तो ये लगभग 0.25 के आसपास मतलब 0.25 एम्पियर आ गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट मेरा क्या हुआ करंट निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप, मतलब ये जो लैंप है इसमें वी की वैल्यू कितनी है ये, और सेकंड क्या ये जो कंडक्टर है इसमें वी की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि करंट सब में क्या इक्वली फ्लो करता है, जितना करंट इसमें उतना करंट इसमें, ठीक है। करंट हम लोग निकाल चुके हैं 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे वी निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे ओम्स लॉ लगा देंगे, वी इक्वल टू IR, ठीक है। वी की वैल्यू हम लोग को इसके लिए फाइंड करनी है, ये तो पूरे सर्किट के लिए, लेकिन सिर्फ इसके लिए फाइंड करनी है, तो वी इक्वल टू वी ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आई कितना है, आई करंट सभी पूरे सर्किट में सेम होगा अगर सीरीज है तो, आई कितना आ रहा है 0.25, तो यहाँ पे 0.25 रख लीजिए।
आर, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से 4 लिख लीजिए और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 वोल्ट आ जाएगा, मतलब इसमें कितना वोल्टेज ले रहा है, 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल ले रहा है, ठीक है। अब इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए भी वही चीज कर देंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V फाइंड करना है, आई आई की वैल्यू सीरीज है तो सब में सेम होगी, तो यहाँ पे 2.25। आर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 20 दी गई है, ठीक है, तो अगर इससे हम लोग करें तो ये लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, 5 ओम आ जाएगा, सॉरी 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल जो था 12.7 यहाँ पे खत्म हो गया, और इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपसे खुद से बनने लगे, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12.8 को देखने जा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.8 को देख रहे हैं, तो इसमें भी ये सर्किट दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि फिगर 12 पॉइंट समथिंग करके दिया गया है, तो आपको दिखेगा 12.10 में ये फिगर दिया गया है और इसको R1 माना गया है, इसको R2 माना गया है, इसको R3 माना गया है, और तीनों को क्या किया गया है, पैरेलल में कंबाइन किया गया है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया है इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर करेगा, और यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है जो कि वैल्यू दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब ये जो रेजिस्टर दिया गया है इससे कितने करंट पास करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि पैरेलल में है कि सीरीज में, ठीक है, आपको देखते के साथ पता चल रहा है कि पैरेलल में है तो आपको याद आएगा कि पैरेलल में क्या होता है, करंट की वैल्यू सब में चेंज कर जाती है और वोल्टेज सब में क्या होता है, सेम होता है। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप, मैंने इसको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था, करंट की वैल्यू क्या होती है, सब में चेंज होती है और वोल्टेज की वैल्यू सब में सेम होती है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो जाहिर सी बात है करंट सब में चेंज होगा, तो इसमें कितना करंट आएगा, मान लीजिए इसमें कुछ I1 करंट आ रहा होगा, इसमें I2 करंट आ रहा होगा, इसमें I3 करंट आ रहा होगा, क्लियर। चलिए, लेकिन वोल्टेज क्या आएगा, सब में सेम आएगा जब ये पैरेलल है तब, ठीक है, पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोई रोकने वाला, जितना वोल्टेज ये निकल रहा है तीनों को सब में सेम वोल्टेज मिलने वाला है, मतलब इसको भी कितना मिलेगा 12 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ करना है नहीं, अब इसमें क्या कर देना है, ओम्स लगा देना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब पहले वाले रजिस्टर्स की बात की जाए, आप लैंग्वेज भी इसको लिख लीजिएगा, करंट I1 मान रहे हैं तो I1 कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई निकालने के लिए क्या, इसको नीचे कर देंगे वी बाई आर, तो बस वही यहाँ पे करेंगे वी बाई आर, ठीक है। V कितना दिया गया है 12 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस, फर्स्ट वाला का रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 5 ओम दिया गया है, तो इसको हम लोग 5 ओम कर लेते हैं और इसका आप वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड में क्या, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए R I निकालना है, तो I2 भी वही हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है। वी कितना, 12 भी सबके लिए सेम मिलेगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो बस 12 लिख लिए। आर, आर मतलब यहाँ पे R2, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 यहाँ पे दिया गया है 10, मतलब यहाँ पे 1.2, ठीक है। थर्ड के लिए निकाल रहे हैं तो I3 मान लेते हैं, I3 भी वही चीज हो जाएगा V बाई R3, तो V की वैल्यू सबके लिए सेम, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और R3 की वैल्यू कितनी है 30 दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है, और ये 4/10 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 4/10 हो जाएगा, तो ये 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो करंट तीनों रजिस्टर से निकल चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल करंट इन सर्किट, मतलब क्या कि टोटल सर्किट में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। ईच के लिए तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब टोटल के लिए कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसके बदले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था
वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। यहाँ तीन है तो तीन ही तक जाएगा, अगर आगे रहता तो आगे तक जाता, ठीक है। वन बाई आर वन कितना है, आर वन यहाँ पे फाइव ओम है तो यहाँ पे फाइव रख लीजिए प्लस साइन, क्लियर। वन बाई आर टू, आर टू कितनी है, आर टू यहाँ पे टेन है तो टेन रख लीजिए प्लस। वन बाई आर थ्री कितना है, थर्टी है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा, थर्टी आ जाएगा, और यहाँ से मेरा ये सिक्स आ जाएगा, सिक्स प्लस थ्री प्लस वन, मतलब यहाँ पे टेन बाई थर्टी, ठीक है। कितना, वन बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू कितना है, टेन बाई थर्टी, इसको काट ले तो वन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, वन बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू वन बाई थ्री, तो आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्वेलेंट इसको क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, पलट देंगे तो थ्री ओम, ठीक है। ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस भी हो गया, मतलब थर्ड वाले के लिए भी आपको यही चीज करना है, ठीक है। चलिए अब क्या फाइंड करना है, मतलब इसके बदले हम लोग ये आर इक्विवेलेंट रिप्लेस कर दिए, मतलब इन तीनों को हटाकर एक न्यू लगा दिए हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसका थ्री ओम है, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वोल्टेज लगा दीजिए 12। हमको फाइंड क्या करना है, थर्ड वाला तो फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे सेकेंड वाला फाइंड करना है, तो सेकेंड वाले में क्या फाइंड करना है, टोटल करेंट। तो टोटल करेंट के लिए भी वही चीज, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। टोटल करंट की बात की जाए तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर सर्किट की बात की जाए तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, टोटल के लिए आर इक्विवेलेंट लेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है, तो यहाँ से 12 ले लेते हैं। आई हमें फाइंड करना है और आर इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, तो आई का जो वैल्यू आ जाएगा 12/3 इक्वल टू 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो 12.8 एग्जाम्पल जो था हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, आप इसको अच्छे से समझ के बना लीजिए, फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए वीडियो पे, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो शायद की 12.9 है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 12.9 को देख रहे हैं, तो इसमें इस टाइप का फिगर दिया गया है, इसको आर वन माना गया, इसको आर टू माना गया, इसको आर थ्री माना गया, इसको आर फोर माना गया और इसको आर फाइव माना गया, जिसका वैल्यूज इस टाइप से दे दिया गया, ठीक है। चलिए बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की और यहाँ पे मीटर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं और यहाँ पे की है। अब क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने होंगे इसको फाइंड करना है। सेकेंड क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो ये दोनों आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल में है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा है कि क्या है, पैरेलल में, तो इसको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसको पे आ जाएंगे, ठीक है। पैरेलल में है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने का हम लोग को फॉर्मूला पता है, यहाँ पे दो टाइप का इक्विवेलेंट आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आर इक्विवेलेंट वन मान लेते हैं और इसको आर इक्विवेलेंट टू मान लेते हैं, ठीक है। चलिए वन बाई आर इक्विवेलेंट वन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, दो है तो दो ही तक जाएंगे, अगर तीन रहता तो तीन तक, चार रहता चार तक, ठीक है। वन बाई आर वन की वैल्यू टेन दी गई है तो यहाँ पे हम लोग टेन लिख लेंगे प्लस साइन। वन बाई आर टू की वैल्यू फोर्टी दी गई है तो यहाँ पे फोर्टी लिख लिया हम लोग और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो फोर्टी आ जाएगा और ये फोर प्लस वन इक्वल टू कितना आ गया, फाइव बाई फोर्टी। अगर इसको कट करना चाहे तो वन बाई एट आ जाएगा, ठीक है। मतलब वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई एट, तो इक्वल आर इक्विवेलेंट वन इक्वल टू क्या करेंगे, इसको पलट रहे हैं तो इधर भी क्या कर देंगे, पलट देंगे, बस आर इक्विवेलेंट वन इक्वल टू एट, ठीक है। इसके बदले जो हम लोग लगाएंगे वो कितना आ जाएगा, एट। तो हम लोग न्यू डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये कितना है, 12 दिया गया है और ये इसके बदले आर इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे, 8 ओम। तो हम लोग यहाँ पे 8 ओम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और ये एमिटर है और अब इसके लिए हम लोग निकाल दें, इसके लिए, ठीक है।
आर इक्विवेलेंट टू, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट टू के लिए देख रहे हैं। आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं स्पेस की कमी के कारण लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना छोटा बोर्ड है और उसमें इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आप मेरी मजबूरियों को थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, r3 तक क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 तक गया इसलिए। चलिए, 1/r1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है, तो यहाँ पे 30 लिख लीजिए। प्लस साइन है तो प्लस दे दीजिए, 1/r यहाँ पे r3 कर लीजिए, r4 कर लीजिए, r5 कर लीजिए, ठीक है। r4 की वैल्यू 20 दी गई है, तो 20 प्लस r5 की वैल्यू 60 दी गई है, और इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 60 ही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब ये मेरा 1/r equivalent = 1, ये कितना आ गया, 6/60, और इसको कट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, तो ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लट रहे, आर इक्विवेलेंट टू निकालना है, और ये यहाँ पे 1/r equivalent 2 है, इसको क्या कर रहे हैं, प्लट रहे हैं, तो r equivalent 2 = इसको भी प्लट देंगे, ठीक है, 10 ओम। तो इसके बदले हम लोग कितना ले आए, 10 ओम, यहाँ पे हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले आए कितना आ गया, 10 ओम, क्लियर। अब आपको यहाँ पे देखने से लग रहा हो कि ये पैरेलल में है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताया था, पैरेलल और सीरीज पहचानने का रूल क्या है कि दोनों एंड्स को लीजिए और खींच कर देखिए, अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया तो वो क्या है, पैरेलल है, अगर नहीं किया तो सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे खींचिए तो ये क्या ओवरलैप करेगा, अगर इसको ऐसे खींचेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है, तो इसको हम लोग सिंपली कनेक्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब 10 + 8 = 18 हो जाएगा, तो हम लोग ये बना सकते हैं ऐसा कुछ, इसके बदले हम लोग 18 ओम का इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, मतलब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालना था तो कितना आ गया, 18 ओम आ गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हेंस टोटल रेजिस्टेंस = r equivalent 1 + r equivalent 2, कितना आ जाएगा, 8 + 10 = 18 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, और हम लोग सेकेंड को देख रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, हम लोग को टोटल करंट निकालना है, ठीक है। टोटल करंट की जब भी बात आए तो आपको याद रखना है, जब टोटल करंट बोले तो हम लोग को रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि टोटल करके आता है, ठीक है। तो टोटल करंट के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, V = IR और I equivalent, ठीक है। वोल्टेज कितना पास कर रहा है, टोटल यहाँ पे 12 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 दे देंगे। आई हम लोग को टोटल करंट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे IT कर लेते हैं, टोटल करंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, ये टोटल वाला कितना आ गया, 18 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब क्या करना है, टोटल करंट निकालना, तो इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो IT = कितना हो जाएगा, 12/18 आ जाएगा, और ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश भी रहिए, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कीजिएगा, उस पर जितने भी वीडियोज हैं सबके लिंक मैंने दे दिया, ठीक है। तो खुश रहिए, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।